रायपुर में आज भूपेश कैबिनेट की बैठक हुई है। मुख्यमंत्री निवास में दोपहर 12 बजे से ये बैठक होनी है और बैठक में 1 दिसंबर से शुरू हो रही धान खरीदी के साथ कोरोना की स्थिति और शीतकालीन सत्र नए मुख्य सचिव की नियुक्ति पर चर्चा होगी। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे, धान खरीदी से लेकर कई बेहद ही महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जो इस बैठक में रखे गए हैं और ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी सुप्रिया पांडे हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं, जिनसे और ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। सुप्रिया, अब से 1 घंटे बाद रायपुर में सीएम हाउस में भूपेश कैबिनेट की बैठक होने वाली है, कई महत्वपूर्ण जो मुद्दे हैं वो इस बैठक में रखे गए हैं। बिल्कुल, आज मुख्यमंत्री निवास में कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई है। कुछ ही देर में यहाँ पर कैबिनेट की बैठक में जो चर्चाएं हैं वो शुरू हो जाएंगी। सबसे बड़े मुद्दे की बात की जाए तो सबसे बड़ा मुद्दा इस बार का धान खरीदी का है, क्योंकि 1 दिसंबर से किसानों से धान खरीदी की शुरुआत होनी जा रही है और किसानों से टोकन लेने की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। किसानों को टोकन दिया जा रहा है केंद्रों में और उस टोकन की अवधि 1 दिन की रखी गई है। यदि किसान उस तारीख में धान अपने धान नहीं बेच पाता है तो उसे एक बार फिर से टोकन दिया जाएगा। और दूसरे मुद्दे की बात की जाए तो शीतकालीन सत्र भी शुरू होने वाला है, उस पर भी किस तरह के मुद्दे हो सकते हैं उस पर भी चर्चाएं होंगी। शीतकालीन सत्र 21 दिसंबर से 30 दिसंबर के बीच आयोजित होगा, जिसमें कुल 7 बैठकें आयोजित की जाएगी, जिस पर भी चर्चा होगी, क्योंकि शीतकालीन सत्र भी एक बड़ा मुद्दा है जो शुरू होने वाला है। 21 दिसंबर से शीतकालीन सत्र की शुरुआत होने जा रही है, जिस पर भी विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। उसके साथ ही मुख्य सचिव की नियुक्ति पर भी चर्चा होनी है। सुप्रिया, सेक्रेटरी जो है जी बिल्कुल, मुख्य सचिव पर भी चर्चा होगी, क्योंकि आरपी मंडल जो मुख्य सचिव रहे हैं वो 30 दिसंबर को, सॉरी माफ कीजिएगा, 30 नवंबर को वो पदमुक्त हो रहे हैं। अमिताभ जैन को नए चीफ सेक्रेटरी बनाने पर जो चर्चाएं हैं वो हो रही है, तो हो सकता है कि नए चीफ सेक्रेटरी के रूप में अमिताभ जैन जो है उन्हें बनाया जाए, इस पर, इस मुद्दे पर चर्चा हो सकती है। इसके साथ ही अन्य कई मुद्दे हैं, जैसे कि सिंचाई परियोजना के क्रियान्वयन पर भी चर्चा हो सकती है। इसके साथ ही और भी बहुत सारे मुद्दे हैं जिस पर मिनट पर चर्चा होगी। जी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। प्रधान